हम सीखने वाले हैं हैलोजन्स की रिएक्शन वाटर के साथ। यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन जो कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्योंकि ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये वाटर में से ऑक्सीजन को निकाल के फ्री करेगा तो और आप वाटर के साथ खुद कनेक्ट हो जाएगा। तो हर हैलोजन की रिएक्शन में आप ये तो जरूर देखेंगे कि आपको मिलेगा एक हैलोजन ऐसे, और क्योंकि ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपके ऑक्सीजन को कम्प्लीटली फ्री कर देगा, तो आपको दो कंपाउंड मिले। इसके बाद ये जो हम रिएक्शन कर रहे थे ये कोल्ड के साथ, कोल्ड वाटर के साथ है। हॉट वाटर के साथ क्या होगा, HF तो बनेगा ही और ऑक्सीजन की जगह आपको मिलेगी ओजोन। सेम वे अगर हम ब्रोमीन और क्लोरीन की रिएक्शन करें तो यहाँ क्लोरीन को हम डिवाइड कर रहे हैं टू Cl प्लस एंड Cl माइनस, और वाटर को हम डिवाइड कर रहे हैं टू H प्लस एंड OH माइनस। H Cl तो आपको मैंने जैसे कहा हैलोजन एसिड तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा यहाँ पे मिला आपको हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। सेम वे अगर आप ब्रोमीन के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा हाइपोब्रोमस एसिड। आयोडीन की रिएक्शन वाटर के साथ एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हालांकि रिएक्शन होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और हाँ, आयोडाइड कन्वर्ट हो सकता है इनटू आयोडीन इन वाटर व्हेन इट रिएक्ट इन द एसिडिक मीडियम विद ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्स होती है, यानी कि आयोडाइड आयन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयोडीन एंड वाटर। उल्टी रिएक्शन जो है ना ये इस नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो कि होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट।